हेलो संगवारी हो, आप मन के स्वागत है सीजी किचन विद झरना में। हमन आज बनाने वाला हन अरहर दाल के दाल तड़का, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते और एकदम अनोखा तरीका और एकदम नया तरीका मैं यहाँ बताने वाला हूँ। अगर घर में कुछ फंक्शन है या बहुत सारा मेहमान मन आ गए है तो ये टाइप के दाल तड़का बनाऊँ तो हर कोई खात रही जाही और बहुत ज़्यादा पसंद आई सब झनला। मैं गारंटी लेवा था आप बनना दाल चावल ही खा ले हो, सब्जी के तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना स्वादिष्ट बनते। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब ए मेर अरहर के दाल लेवा था मैं यहाँ एक कटोरी। एक कटोरी में ना एक कटोरी नाप के ले हूँ। अब एला अच्छा से साफ पानी में दो तीन पानी धो लेता हूँ। यहाँ पे दाल लना मैं धो चुके हैं। अब गैस में कुकर ल चढ़ावा था। कुकर में सिर्फ दो चम्मच तेल डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है। अब तेल ल थोड़ा से गरम होवन देता। एकदम झटपट तैयार होते दाल हा और स्वाद में बहुत ज्यादा टेस्टी बनते। इमा एक कटे हुए प्याज डाला था, प्याज मीडियम साइज के है। अब प्याज ला हल्का से ना सुनहरा होवा तक ले थोड़ा से भूंज लेबो। प्याज हा कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर दाल के टेस्ट उतना अच्छा नहीं आही। इमेर देखो गोल्डन कलर हो गया है, सुनहरा कलर। अब इमा दो मीडियम साइज के टमाटर डाला था, एकदम बड़े बड़े नहीं है टमाटर, हा मीडियम साइज के है, थोड़ा छोटे छोटे दो टमाटर डाले हाँ काट के। अब एमा में यहाँ अरहर दाल ला डाला था। दाल ला भिगाना विगाना नहीं है, सिर्फ धोए भसाऊ दाल ला में यहाँ पूरा दाल ला डाल लेता हूँ कुकर में। अब सब ला अच्छा से मिला देता हूँ। अब एमा में यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाला था। कोई तेज खाते कोई थोड़ा कम खाते फीका, तो अपन स्वाद अनुसार डालना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच में डाला था गरम मसाला, यह एवरेस्ट के किचन किंग मसाला है, ज़्यादा नहीं बस आधा चम्मच डाले हाँ। अब ये कटोरी में मैं एक कटोरी नाप के दाल ले हाँ, तो यही कटोरी में नाप के मैं यहाँ चार कटोरी पानी डाला था, तीन कटोरी हो गया। अब ये चौथा कटोरी, चार कटोरी पानी डाल रहे हो मैं हाँ। और कई मन के पसंद रही थे पतला दाल खाए के, तो जिन मन पतला पसंद है ना तो एक आध कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाल ले हूँ। अब मैं यहाँ ढक्कन लगा देता हूँ कुकर के। अब तीन चार सीटी पकाना है, तीन चार सीटी हो गए है, पाँच से दस मिनट में पक गए दाल हाँ। अब ढक्कन लड़ में निकाल के दिखला था आप मन ला, देखो पूरा दाल अच्छा से पक गए है, ये देखो पूरा पक गए है दाल हा। अब मैं यहाँ ये ला चढ़ाए हाँ, का पर दाल में तड़का लगाना है, तो तीन चम्मच तेल डालना है, तीन चम्मच के आसपास है तेल हा, थोड़ा गरम होवन देबो। अब एमा में डाला था आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हींग, ये देखो एकदम थोड़ा से ही चुटकी भर हींग डाले हाँ। अब एमा में लहसुन डाला था, लहसुन लाना में कूट ले हाँ, बारीक काटे नहीं हाँ, ओला अच्छा से कूट ले हाँ, चार पांच कली है लहसुन के। अब लहसुन लाना थोड़ा हमन हाँ अच्छा थोड़ा डार्क कलर होवन देबो गोल्डन कलर में। इमा में हाँ खड़ी मिर्च डाला था लाल, आप मन ना तीन चार मिर्ची डाल सकता हो, काबर तीखा दाल अच्छा लगते, लेकिन हमारे यहाँ ना मतलब तीखा दाल पसंद नहीं करे, ओकर नाम से मैं एक ही मिर्ची डाले हाँ। अब मैं हाँ कढ़ी पत्ता डाला था, थोड़ा कढ़ी पत्ता में ना पानी रही गई तेकर से थोड़ा छीटा लगा थे। अब एला में तुरंत कुकर में डाला था और तुरंत ढक्कन लगा हूँ ढकूँ, एक जो धुआं है ना खुशबू उड़ना नहीं चाहिए, अगर खुशबू उड़ जाते धुआं हाँ तो दाल के टेस्ट मतलब उतना अच्छा नहीं आवे। तो देखो हमन हाँ कम से कम दो से चार मिनट ढक के रखे रहे हूँ मैं हाँ, अब वापस से और ढक दे हूँ।
अब 3-4 मिनट हो गए हैं ढकाए। अब धनिया पत्ती डाल देता हूँ मैं यहाँ। अभी मेरा हमारा दाल बन के एकदम तैयार हो गए है, बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बन गए है। मैं आप मल्ला निकाल के दिखलावा था। एक बार इसने दाल तड़का बना के जरूर देखूँ, मैं गारंटी लेवा था आप मतलब बहुत पसंद आही और जेन लभी आप मन बना के खिलाऊ हर कोई तारीफ करी ही। अगर वीडियो पसंद आए हो ही ना तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करूँ। अगर चैनल और सब्सक्राइब नहीं करे हो नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देहूँ। और इसने ना बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप मल्ला देखे बर मिली।